माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस डॉस, ये आपका सेकंड यूनिट है बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के कोर्स का। और सेकंड यूनिट में डॉस की इसके कमांड्स की प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल है, और साथ में वो उसके ऊपर कुछ थीरीज हैं। बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप कह सकते हो इस पोर्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कुछ स्लाइड्स हैं, उनके थ्रू मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे ये पूरा टॉपिक एक ब्रीफ करने की, साथ में जो नोट्स होंगे वो आपको प्रोवाइड करेंगे। और नोट्स में आपको खैर और डिटेल्स में वो सब डिटेल्स होंगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जब उस ये जब ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते थे, आज की डेट में ये ऑलमोस्ट ऑब्सलीट है, तो हमारी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से आता था, स्टार्टिंग एमएस डॉस और फिर ये कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे नजर आता था, सी और कोलन बैक स्लैश और ये एंगल ब्रैकेट है, और ये यहाँ पे जो चीज नजर आ रही इसको कर्सर बोलते हैं, कर्सर। आप कुछ यहाँ कीबोर्ड से टाइप करें तो वो आगे यहाँ पे टाइप होगा। सो सबसे पहले बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले ये जान लें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही आप कह सकते हो कि जरूरी हिस्सा है कंप्यूटर सिस्टम का, बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। सो यहाँ पे अगर ये डिफिनेशन देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द यूजर ऑफ ए कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी एक तरह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर भी किस तरह का, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर, हम और आप जो कंप्यूटर को यूज करते हैं, उनके और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक इंटरमीडिएटरी का काम करता है। और पर्पस क्या इसका होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है जहां पे यूजर अपने बहुत सारे डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स को बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही इफिशियंट तरीके से उसको रन करा सकता है, उसको मैनेज करता है, उसको रन करा सकता है। तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंपली आप ये कह सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर को इस लाइक बना देता है कि वहां पे आप डिफरेंट तरह के प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं, आप स्प्रेडशीट कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं, आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, वीडियो प्ले कर सकते हैं, अकाउंटिंग का है, फोटोग्राफी का, फोटोशॉप और इस तरह के बहुत सारे और प्रोग्राम है, वो आप बहुत ही कन्वीनियंट और एफिशियंट मैनर में यूज कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मीन्स रन करा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कमांड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, सी यू आई इसको बोलते हैं, इसको सी एल आई भी बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। अभी मैंने जो इंटरफेस की बात की थी हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस करता है, प्रोवाइड करता है, वो यही इंटरफेस है। तो आप कमांड यूजर इंटरफेस कह लो, आप कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कह लो, आप इसको सी एल आई भी कह सकते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। सी यू आई स्टैंड फॉर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इट इज ए यूजर इंटरफेस वेयर द यूजर इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर सॉली थ्रू द कीबोर्ड एंड रिक्वायर ए कमांड टू परफॉर्म एनी टास्क। यानी कोई भी यूजर कंप्यूटर को के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, सी यू आई कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के थ्रू, जिसमें करना क्या होता है कि हम कीबोर्ड से एक कमांड्स हम प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, जिससे कि वो हमारा वो टास्क परफॉर्म करता है जो
टास्क हम उस कमांड के थ्रू परफॉर्म कराना चाह रहे हैं। CUI इज द प्रीकर्सर ऑफ GUI, यानी GUI आज की डेट में जो GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, विंडोज वगैरह आप सब लोगों ने यूज किया होगा, जानते होंगे, आगे वो भी है, तो यानी उसके पहले का है ये CUI, और आज की डेट में डोमिनेट करता ऑलमोस्ट वो GUI है, एंड वॉज यूटिलाइज इन मोस्ट ऑफ द अर्ली कंप्यूटर। जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि शुरुआत शुरू के कंप्यूटर्स में ये यूज होते थे, अर्ली कंप्यूटर में। मोस्ट कंप्यूटर आर यूज, जैसे मैंने अभी बोला कि GUI यूज करते हैं रादर देन CUI, अब ना के बराबर है, बट आपको CUI और DOS के बारे में जानना बहुत जरूरी है, इससे पता चलता है कि कंप्यूटर शुरू के अर्ली कंप्यूटर्स कैसे यूज किए जाते थे और किस तरह से वहां पे काम किया जाता था। इट वर्क्स बाय परमिटिंग द यूजर टू प्रोवाइड कमांड टू ए प्रोग्राम इन मल्टीपल टेक्स्ट लाइन, यानी कमांड लाइन, वही जो कर्सर अभी मैंने दिखा है वहां पे वो कमांड हम टाइप करते थे, मल्टीपल टेक्स्ट लाइन, कई लाइन में कमांड हो सकते थे। CUI बेसिक इंस्टांस आर MS-DOS, CUI का सबसे पहला आप कह सकते हैं इंस्टांस था MS-DOS, MS-DOS, MS means यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी डिस्क को ऑपरेट करने वाला सिस्टम, डिस्क की यहाँ पे बात ये कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, जो मेमोरी की डिस्क होती थी, एंड विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट, यानी विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट का मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वहां पे कमांड प्रॉम्प्ट आता था जहां पे हम इसके थ्रू यूज कर सकते थे MS-DOS को। वन ऑफ द CUI's एप्लीकेशन इज दैट इट सिंप्लीफाइज द क्रिएशन ऑफ प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट, यानी एक बहुत बड़ा इसका आप कह सकते हो CUI की एप्लीकेशन थी कि हम प्रोग्रामिंग में जो हम स्क्रिप्ट लिखते थे, यानी जो हम प्रोग्राम प्रोग्राम की फाइल बनाते थे जिसमें हम प्रोग्राम के सारे स्टेटमेंट्स वगैरह लिखते थे, उसको थोड़ा सा ये सिंप्लीफाइज करता है। नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, यानी कि क्या होती है फाइल और क्या होती है डायरेक्टरीज, पे क्वेश्चंस भी आते हैं। फाइल क्या होती है, फाइल इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक फाइल क्या है, अगर क्वेश्चन आता है फाइल व्हाट इज फाइल, फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कैन बी नंबर्स, कैरेक्टर्स, ग्राफ, इमेजेस एक्सेट्रा, ठीक है, वो ऑडियो वीडियो की भी फाइल हो सकती है। एवरी फाइल शुड बी स्टोर्ड अंडर ए यूनिक नेम, हर फाइल एक यूनिक नेम के साथ स्टोर होती है ताकि बाद में हम उसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, और पहचान सकें, उसको जान सकें, देख सकें, रिट्रीव कर सकते हैं, उसको फिर से ब्रिंग बैक, रिट्रीव मीन्स ब्रिंग बैक। एवरी फाइल शुड बी सेव्ड अलॉन्ग विद एन एक्सटेंशन, हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन का मतलब उससे पता चलता है कि ये टाइप्स किस टाइप की फाइल है, ठीक है। सम ऑफ द एक्सटेंशन एंड देयर डिस्क्रिप्शन आर गिवन, जैसे बहुत सारी फाइल का एक्सटेंशन .doc आप जानते होंगे, सुना होगा, .jpg आपने शायद ये भी सुना होगा, डॉक्यूमेंट है ये, jpg इमेज की एक फाइल का एक्सटेंशन होता है, .txt means text file, ठीक है, हम नोट पैड के थ्रू बनाते हैं, नोट पैड क्या है वो आगे विंडोज के अंदर आएगा, ये होती फाइल। डायरेक्टरी क्या होता है, डायरेक्टरी एक ऐसी जगह है, एक ऐसा एरिया, एक ऐसी लोकेशन है जहां पे हम कई सारी फाइल, यानी ग्रुप रिलेटेड फाइल, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी पर्सन से रिलेटेड, किसी डेट से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड, मतलब डिफरेंट तरह के फाइल के सेट के थ्रू वहां पे हम उसको रखते हैं। जैसे हम बोलेंगे नॉर्मल फाइल, हम बोलते हैं कोई भी फाइल, ऑफिस में जाओ तो एक फाइल है, जैसे कॉलेज में एडमिशन लेने के तो एक फॉर्म भरा जा रहा है उसकी फाइल है, एक जिनका एडमिशन हो जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी फाइल है, एक जो एडमिशन ले चुके उनकी फाइल है, एक जिन्होंने फीस जमा की कर दी उनकी फाइल अलग है, डिफरेंट तरह की फाइल बनाते हैं, एक ही में सब नहीं रखते, उसकी पर्पज ये होता है कि हम ग्रुप रिलेटेड एक सेट ऑफ फाइल जिसको बोलते हैं, इट इज ए फोल्डर, इसको फोल्डर भी बोलते हैं, विच कंटेन डिटेल अबाउट फाइल, फाइल साइज, टाइम, कब क्रिएट की गई, कब मॉडिफाई की गई, और डिफरेंट टाइप के डायरेक्टरीज होते हैं, जो मेन दो तरह की होती है, रूट डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी मतलब जैसे कंप्यूटर में सबसे पहली जो डायरेक्टरी बनती है कंप्यूटर में हम स्टार्ट करते हैं,
वो कहलाती है रूट डायरेक्टरी। जैसे एक पेड़ है, एक नीचे से स्टेम तना निकलता है तो रूट हो गया। अब वहां से ऊपर से बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेस बनती हैं, तो वहां पे वो जो डायरेक्टरी हम बनाते हैं उसको बोलते हैं सब डायरेक्टरी। आगे ये आएगा प्रैक्टिकल में, ये दिखाएंगे। नेक्स्ट है बूटिंग ऑफ द सिस्टम। बूटिंग का मतलब, बूट का मतलब होता है कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं फर्स्ट टाइम। कंप्यूटर ऑफ रखा हुआ है, नया कंप्यूटर मान लिए, उसके अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। सबसे पहला काम ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है, उसके अंदर कॉपी किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। उसके बाद कंप्यूटर जब ऑन करते हैं बूट, उसको कहते हैं बूट। और एवरी टाइम कंप्यूटर जब आप ऑन करते हैं तो वो जो प्रोसेस करता है उसको बूटिंग बोलते हैं। कंप्यूटर बूट हो रहा है, कंप्यूटर बूट करना है। बूटिंग क्या होती है? बूटिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर। जिसमें मैंने अभी बोला, व्हेन द सीपीयू इज फर्स्ट स्विच ऑन, पहली बार सीपीयू जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसको ऑन करते हैं, वो क्या करता है? इट हैज नथिंग इनसाइड द मेमोरी, उसके अंदर कुछ नहीं होता है। जैसे मैंने अभी बताया, इन ऑर्डर टू स्टार्ट द कंप्यूटर हम क्या लोड करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन मेमोरी, एंड देन कंप्यूटर इज रेडी टू टेक कमांड फ्रॉम द यूजर। तब फिर कंप्यूटर रेडी होता है कमांड लेने के लिए यूजर के थ्रू, हम आप तब कमांड देते हैं। बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर एज इनिशिएटेड वाया हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर के थ्रू उसकी पहल की जाती है, वो स्टार्ट किया जाता है। सच एज बटन, कोई बटन हम प्रेस करते हैं कंप्यूटर हमारा ऑन होता है, और बाई ए सॉफ्टवेयर कमांड या कोई कमांड हम देते हैं। आफ्टर इट इज स्विच ऑन, जैसे ही स्विच ऑन होता है, कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू हैज नो सॉफ्टवेयर इन इट्स मेन मेमोरी। वहां पे कोई मेन मेमोरी में सॉफ्टवेयर नहीं होता है, तो जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से, कंप्यूटर चूंकि पहले आप इंस्टॉल कर चुके हैं, जाहिर सी बात है नया कंप्यूटर लिया, जब ऑन करते हैं फर्स्ट टाइम तो उसके अंदर हमें इंस्टॉल करना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बार जब इंस्टॉल हो गया तो वो हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है, और अगली बार जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसकी जो मेन मेमोरी यानी रैम होती है उसमें कुछ प्रोग्राम नहीं होता है, हैज नो सॉफ्टवेयर। तो पहला प्रोग्राम जो उस मेन मेमोरी में आता है कंप्यूटर के थ्रू, वो आता है हार्ड डिस्क से और वो रैम के अंदर लोड हो जाता है, यानी मेन मेमोरी जो उनको हम रैम भी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, ताकि वो फिर रेडी हो कंप्यूटर पे आप कमांड्स वहां पे एग्जीक्यूट करने से पहले। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड दो तरह के होते हैं। इंटरनल कमांड क्या होता है? वो कमांड जो एक तरह से रेसिडेंट कमांड्स कहलाते हैं। रेसिडेंट का मतलब वो एक तरह से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड इंटरप्रेटर की जो फाइल होती है, यानी कमांड को जो इंटरप्रेट करता है, जो समझता है, उसको बोलते हैं command.com, उसका हिस्सा होते हैं। देख रहे हैं, देयर आर पार्ट ऑफ द कमांड। इंटरनल कमांड्स रिमेन इन कंप्यूटर्स मेन मेमोरी रैम अंटिल वी टर्न ऑफ द कंप्यूटर। हम भले ही कंप्यूटर को ऑफ कर दें, लेकिन वो कमांड हमारे मेन मेमोरी रैम के अंदर ही रहते हैं। जब हम ऑन करते हैं वो रैम के अंदर आ जाते हैं। वेन एवर वी इशू एन इंटरनल कमांड इट रन इमीडिएटली, बहुत क्विक रन करता है। यानी इंटरनल कमांड वो कमांड जो कि जब हम जैसे ही इसको देते हैं कोई कमांड, तो वो बहुत क्विक चलता है, रन इमीडिएटली, और वो एक तरह से command.com का हिस्सा होते हैं, कंप्यूटर की मेन मेमोरी का हिस्सा होते हैं। मेन मेमोरी में अक्सर क्वेश्चन आता है, पूछा है कि इंटरनल कमांड कहाँ होते हैं, तो आप कह सकते हो वो मेन मेमोरी में, रैम में होते हैं। एक्सटर्नल कमांड क्या होते हैं? एक्सटर्नल कमांड एक तरह से नॉन मेमोरी रेसिडेंट, वो मेमोरी में नहीं रहते हैं, यानी कि रैम में नहीं रहते, प्राइमरी मेमोरी में नहीं रहते, मेन मेमोरी में नहीं रहते हैं। वो रहते कहाँ पे? वो सेकेंडरी स्टोरेज में रहते हैं, हार्ड डिस्क में, ठीक है, एज ऑपरेट प्रोग्राम फाइल। सो जब हम एक्सटर्नल कमांड देते हैं, एक्सटर्नल कमांड को यूज करते हैं, तो वो इंटरनल कमांड के मुकाबले धीमे चलते हैं, धीमे, स्लोअर देन द इंटरनल कमांड। दे आर स्पेसिफिकली स्पेशली डिजाइन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज, वो बहुत ही स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज होते हैं। तो ये आपका होता है एक्सटर्नल कमांड। अब बात नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक्स है लिमिटेशन ऑफ डॉस। अच्छा, ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड है, ये भी हम कमांड की प्रैक्टिस कुछ दिखाएंगे, लैब जब होगी इसके अंदर आपको करना होगा।
डॉस की एक लिमिटेशन है, उस वक्त जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था उसकी कुछ लिमिट थी, आज के जैसा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वैसा नहीं था। क्या लिमिटेशन थी वो एक जानना जरूरी है। फाइल नेम, डॉस के ऊपर जो हम फाइल नेम बनाते थे वो अपर केस में उसका नाम लिमिटेड था, यानी कि कोई भी नाम देते तो वो अपर ही केस में आता था। हमने शिवली लिखा SHIBLI, वो नाम कैपिटल में आएगा, वो नाम ऐसे नहीं आएगा कि एस स्मॉल और कैपिटल, ऐसे नहीं होगा। सिक्योरिटी, फाइल ओनरशिप और परमिशन के लिए इसके अंदर कोई सिक्योरिटी बिल्ट इन, पहले से बनी सिक्योरिटी नहीं होती थी। फॉर फाइल ओनरशिप एंड परमिशन एमएस डॉस डजंट हैव एनी बिल्ट इन सिक्योरिटी, पहले से कोई सिक्योरिटी इसके अंदर बनी नहीं होती। नो मल्टी यूजर, एमएस डॉस प्रोग्राम एक कंप्यूटर पे एक वक्त में एक कंप्यूटर पे रन कर सकता था, और ये एक से ज्यादा टास्क और एक से ज्यादा यूजर को सपोर्ट नहीं करता, यानी एक वक्त में हम एक ही काम कर सकते हैं। आज की डेट में आप कंप्यूटर, मैंने बताया होगा क्लास में, कि आप म्यूजिक भी चला दो, आप इंटरनेट भी चला रहे हैं, बैकग्राउंड में कुछ डाउनलोड हो रहा है, कुछ आप फाइल पेन ड्राइव से कॉपी कर रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, और कोई पावर पॉइंट भी खोला हुआ है, बहुत सारे एक साथ, तो वो मल्टी टास्क होता है। बट डॉस में मल्टी टास्किंग नहीं था। और मल्टी यूजर में जो है हम, यानी कई सारे यूजर एक साथ यूज कर सकते हैं। डॉस में ये नहीं था, बट आज की डेट में ये है। डिफिकल्ट टू यूज, यानी डॉस को एक तरह से आसान नहीं था यूज करना, आप देखेंगे अभी। और ये बिगिनर्स के लिए, जो शुरुआत करते हैं उनके लिए तो वाकई में आसान नहीं था। जब हम लोग कंप्यूटर सीख रहे थे उस वक्त डॉस अच्छा खासा यूज होता था, तो हम लोग बहुत इससे खौफ खाते थे कि कमांड को देना और कमांड को याद रखना बहुत मुश्किल था। यहाँ देखिए दिया था, रिक्वायर डिफिकल्ट फॉर बिगिनर टू यूज एड इट इज रिक्वायर कमांड टू बी रिमेम्बर्ड फॉर स्पेसिफिक एक्शन, तो डायरी में उस कॉपी में लिख के रखना पड़ता था, हर बारी को देखना पड़ता था, थोड़ा सा कुछ गलत होता था तो वो काम नहीं करता था। तो एज एम एस डॉस कमांड इज एज एम एस डॉस इज कमांड बेस्ड ओएस, दस मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर बिगिनर टू यूज एट इट रिक्वायर कमांड टू बी रिमेम्बर्ड फॉर स्पेसिफिक एक्शन। ठीक ठीक है, सो ये था फ्यू एप्लीकेशन। इसके अलावा ये कुछ एप्लीकेशन ही इस पे चला सकते थे, ज्यादा एप्लीकेशन भी नहीं चला सकते थे आज की तरह। एक वक्त में एक ही चलाते थे और ज्यादा भी नहीं चला सकते थे, कुछ थे। यूजर फ्रेंडली नहीं था ये, इट हैज ए कमांड लाइन इंटरफेस दैट इज नॉट वेरी यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली का मतलब बहुत ही आसान नहीं था इसको यूज करना, जैसा आज की डेट में विंडोज है। और आप डॉस का भी कुछ देखेंगे, विंडोज का भी कुछ देखेंगे, प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा लैब में भी मौका मिला अगर, तो वो पता चलेगा आपको कि क्या वो यूजर फ्रेंडली क्यों नहीं था। ठीक है, और ये यहाँ पे एंड होती है ये स्लाइड। तो ये आपका सिलेबस में आपका ये था, और आपका जो सिलेबस है सबको प्रोवाइडेड है। अभी मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे कवर की ब्रीफ सा, बाकी नोट्स आपको दो प्रोवाइड करेंगे। बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट, यानी क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड यूजर इंटरफेस ये आपको बताया, यहाँ पे हम कमांड हमें देना होता है हर चीज के लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज बताया, बूटिंग बताया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड बताया, लिमिटेशन ऑफ डॉस बताया। अब इसके बाद ये सब बीच में वो कमांड है, डॉस कमांड, कॉपी कॉन टाइप MD, CD, RD, RAM, Del, Copy, Move, DIR, Volume, Label, Date, Time, CLS। इसमें कुछ इंटरनल कमांड है, कुछ एक्सटर्नल कमांड है, तो वो हम कमांड कैसे, कुछ कमांड्स को यहाँ पे हम बता देते हैं आपको। तो वो करने के लिए आपको यहाँ पे, जब कंप्यूटर पे आप बैठेंगे और कंप्यूटर के सामने, तो आप यहाँ पे डॉस प्रॉम्प्ट जो है अगर खोल लीजिए, डॉस कमांड, इसको कमांड प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं, कमांड। अब हालांकि ये विंडोज सिस्टम है, बट कुछ बेसिक्स कमांड हम यहाँ पे डॉस के कर सकते हैं, सारे नहीं कर सकते, सारे तो एमएस डॉस में ही होते थे, बट कुछ बेसिक्स कमांड यहाँ पे आप ऐसे ओपन करेंगे डॉस, तो यहाँ पे इस तरह से आएगा पहले।
हम इससे बाहर आने के लिए हम सीडी बैक स्लैश करते हैं और हम बाहर आ जाते हैं। अभी आप इस पे ध्यान में दीजिएगा, हमने क्या किया, बाहर आ गए। आपको यही कमांड मिला जो मैंने अभी प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया था, याद होगा, सी कोलन बैक स्लैश, और ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पे जो सबसे पहला कमांड आप देंगे जो वो है आपके, उसमें है MD। MD का मतलब होता है MD या MKDIR, दोनों सेम है। आप MD लिखो या MKDIR, दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है? मेक डायरेक्टरी, यानी डायरेक्टरी को बनाना, मेक डायरेक्टरी। नोट्स में आपको ये मिलेगा। सो हमने यहाँ पे किया MD और हम एक डायरेक्टरी बना रहे हैं। हमने डायरेक्टरी मान ली, बनाना है शिबली, शिबली एन, शिबली एन मीन्स नेशनल और सी, यहाँ पे हमने शिबली एन सी। ये मैं शिबली एन सी इसलिए कर रहा हूँ कि शिबली नाम की हो सकता है बनी हो पहले से। सो बनी अगर होगी तो दोबारा से फिर उस नाम की नहीं बनेगी, इसलिए मैंने थोड़ा अलर्ट किया शिबली एन सी। जैसे ही आप ये टाइप करके एंटर करेंगे और फिर से वापस कर्सर यहाँ पे आ गया, इसका मतलब है कि डायरेक्टरी बन गई। अगर कुछ कमी होती तो मैसेज बताता कि हाँ नहीं बन पाएगी, नहीं बन सकती, पहले से बनी हुई है, आपने कुछ गलत किया है। नो मैसेज मीन्स डायरेक्टरी बन गई। अब बन गई तो कैसे देखेंगे उसको? उसको देखेंगे आप यहाँ पे करेंगे DIR, DIR आप करके एंटर करेंगे तो बहुत तेजी से सारी डायरेक्टरी ऐसे चली जाएगी, ठीक है, एक के बाद एक, मतलब वो क्विकली स्क्रॉल हो जाएगी। तो आप चाहते हैं थोड़ा सा रुक रुक के जाए, वन बाई वन थोड़ा सा हम आराम से देख सके, तो आप DIR स्लैश पी करेंगे तो पेज वाइज आएगी। आप देखो सारी डायरेक्टरीज दी हुई है, बस कब क्रिएट हुई है, टाइम, उसका नाम, यानी वो डायरेक्टरी है, आगे उसका नाम। तो मैंने क्या बताया, शिबली एनसी। तो अभी यहाँ प्रेस एनी की टू कंटिन्यू आ रहा है, फिर आपने प्रेस किया फिर आया सारा। और उसमें देखो कहीं एस एस एन सी दिख रहा है अभी, तो ओ ये अल्फाबेटिकली होती है, अभी ये एस आया है, ठीक है। ये देखो बन गई है, ये नजर आ रही है शिबली एनसी, 29 नवंबर 23, 10:23 पे ये मैंने बनाई। तो ये बन गई डायरेक्टरी। ऐसे आप कोई भी जितनी सारी डायरेक्टरी बना सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी रूट डायरेक्टरी बताया था, ये सी, ये रूट डायरेक्टरी है। अब ये सब बना रहे हैं, ये डायरेक्टरी हमारी सब डायरेक्टरी है। ये तो हुआ डायरेक्टरी बनाना। अब उसके अंदर अगला वो है कि डायरेक्टरी के अंदर जाना। ये देखिए सीडी जो भी, अरे सॉरी एमडी जो मैंने बताया उसको MKDIR बोलते हैं, एमडी। दूसरा यहाँ पे सीडी, तो सीडी के लिए क्या करेंगे? सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी। चेंज का डायरेक्टरी का मतलब जो डायरेक्टरी इस वक्त खुली है उससे हम चेंज करके किसी और डायरेक्टरी में जाना। तो हमें क्या करना है, अभी हम सी की रूट डायरेक्टरी पे हैं, हमें शिबली एन सी एन जो बनाया है उसके अंदर जाना है। तो हम करेंगे सी डी शिबली एन सी। जैसे ही ये करके हम एंटर करेंगे, आप देखो इस शिबली की डायरेक्टरी के अंदर आ गए, ठीक है। ये दिखा रहा है कि अब आप शिबली के डायरेक्टरी के अंदर आ गए, ठीक है। यहाँ पे ये जो कमांड ऐसे था, सी कोलन बैक स्लैश एंगल ब्रैकेट रूट डायरेक्टरी पे, तो अब आप आ गए सब डायरेक्टरी पे। कौन सी सब डायरेक्टरी? शिबली की। यहाँ पे कर्सर आपका, अब यहाँ पे आप चाहते हो कि एक और डायरेक्टरी बनाए बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन की, जैसे आप लोग कर रहे, तो हमने दे दिया सीडी बेसिक, बेसिक हो गया, फिर कंप्यूटर और एक हमने दे दिया एप्लीकेशन, ऐसे ही कुछ भी नाम दे सकते हैं। नाम भी बहुत ही यूनिक और मीनिंगफुल होता है। डायरेक्टरी फाइल का नाम और डायरेक्टरी बहुत ही मीनिंगफुल बनानी चाहिए, ये भी नहीं कि कुछ भी दे दिया। सो उसका एक मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। अच्छा, जो भी फाइल या डायरेक्टरी बना रहे हैं उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, आप ऐसे नहीं दे सकते बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, आप ऐसे नहीं दे सकते, आपको एक ही में वहां पे करना होगा, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन ये करके आपने एंटर किया, तो आप देखिए यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है,
द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड, यानी इस नाम की कोई डायरेक्टरी है ही नहीं तो जाएगा कैसे। तो आपको यहाँ पे फिर एमडी पहले करना पड़ेगा, एमडी बेसिक सी ए यानी बनाना पड़ेगा, बन गई। अब इसके अंदर DIR किया, देखिए इसके अंदर दिखा रहा है ये बेसिक नाम की डायरेक्टरी 26 29 नवंबर 23 10:27। अब फिर उसके अंदर जाना है, उसके अंदर चेंज डायरेक्टरी करनी है, तो यहाँ पे CD बेसिक CA। अब देखिए उस डायरेक्टरी के अंदर आ गए। अब यहाँ पे एक चीज हम और भी कह सकते हैं, ये है शिबली की डायरेक्टरी और ये है शिबली डायरेक्टरी की सब डायरेक्टरी। सो एक डायरेक्टरी के अंदर आप जितनी चाहे ऐसे डायरेक्टरी कई सारी बना सकते हैं और वो उसकी सब डायरेक्टरी कहलाएगी। डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए भी हम वही CD को यूज करते हैं, बट दूसरे तरीके से। कैसे करते हैं, CD backslash करके एंटर किया, फिर से वापस वहां पे आ गए, यानी डायरेक्टरी से निकल के बाहर आ गए। दूसरा यहाँ पे आपका एक कमांड है CLS। CLS का मतलब है, मैं आगे ऑर्डर ऐसे इसलिए दिखा रहा हूँ कि जैसे जैसे नीड हमारी है इस ऑर्डर पे हम नहीं बता रहे हैं। CLS का मतलब क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करना, यानी ये सब जो स्क्रीन पे आ रहा है हम ये बोले कि एकदम ये हटा दीजिए, स्क्रीन को क्लियर कर दिए। तो क्या होगा, CLS आप करेंगे तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे आ गया यानी स्क्रीन क्लियर हो गई। तो CLS का मतलब है, CL का मतलब क्लियर, S का मतलब स्क्रीन, बट इसको शॉर्ट जब लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे। अच्छा मान लीजिए हमने यहाँ पे DIR किया ऐसे, अभी भी क्लियर करना है, तो हम अगर कैपिटल में भी लिखते हैं CLS तो भी करेगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्मॉल में हो चाहे कैपिटल में। सो कमांड आप जब देते वक्त आप चाहे स्मॉल केस में हो चाहे कैपिटल, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हुआ आपका CLS। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है डेट। डेट कमांड से क्या, डेट और टाइम दो है। डेट और टाइम से हम सिस्टम की डेट और टाइम पता कर सकते हैं कि हमारी डेट सिस्टम की डेट और टाइम सही है कि नहीं और क्या है। तो हमने यहाँ डेट दिया तो बता दिया आज डेट 29 नवंबर 23 है। तो ये कमांड करता क्या है, करंट डेट जो सिस्टम की होती है वो गलत हो या सही हो उसको डिस्प्ले करता है, और अगर गलत आ रही है तो आप यहाँ पे ऐसे चेंज भी कर सकते हैं। ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, पहले डेट दीजिए फिर मंथ दिए फिर ईयर दिए और एंटर कर दिए तो सेट हो जाएगा, यानी डेट अगर गलत आ रहा है तो, अभी यहाँ सही आ रही है तो हम सेट क्यों करें। सो अगर कहीं कंप्यूटर में गलत आ रही है तो फिर आपको डेट इस तरह से सेट कर सकते हैं, नहीं कुछ करना है सिंपली एंटर कर दिए बाहर आ जाइएगा। टाइम, करंट टाइम इज 22:30:07, 22:22 मीन्स 10 बज रहा है, 10:30:07, और ये सेकंड का 100 पार्ट। ठीक है, आप टाइम भी इसी तरह सेट कर सकते हो, घड़ी का टाइम, कंप्यूटर की घड़ी का टाइम सही नहीं है आप सेट कर सकते हैं, यहीं पर सेट नहीं करना बाहर आना है आप बाहर आ सकते हैं। फिर से हमें CLS करना है, फिर से हमने CLS कर लिया। तो ये आपका कमांड ये हो गया। सो मैंने कितने कमांड बता दी बताइए, MD CD CLS टाइम डेट। अब बताने को मैं ये सारा अभी सारा ही बता दूं खत्म हो जाए, बट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस जब मौका मिलेगा लैब में तो प्रैक्टिस करना होगा आपको। बट मैं आज ऐसा नहीं कि मैं इसमें बता रहा हूं तो मैं फिर कभी नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बता रहे कॉपी कॉन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट कमांड है, यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है। कॉपी कॉन के थ्रू हम क्या करते हैं, फाइल बनाते हैं। आपने अभी डायरेक्टरी बनाया MD करके, डायरेक्टरी के अंदर गए CD करके, अब यहाँ पे हम फाइल बना रहे हैं। फाइल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपी कॉन। ठीक है, कॉपी कॉन, कॉपी कॉन, यहाँ पे कॉपी अलग होगा कौन अलग होगा ये ध्यान दीजिएगा। कॉपी कॉन करने के बाद हम स्पेस देके एक फाइल का नाम देते हैं,
हमने नाम यहाँ पे दिया, मैं अपना नाम दे देता हूँ, जेड एच आई जी जाहिद। फिर हमने एंटर किया। अब यहाँ पे इसके अंदर हम कुछ भी लिखते हैं, मान ली हम लिखते हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फिर मैं एंटर करता हूँ, गुड इवनिंग यहाँ पे आ गया। फिर मैं लिखता हूँ हेलो, हाउ आर यू लिखता हूँ, मान ली हाउ आर यू। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली कर देता हूँ कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड क्या करता है, फाइल को कंप्लीट करके कॉपी कर देता है, कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड करके एंटर कर दिए। मैसेज क्या है, वन फाइल कॉपीड, एक फाइल कॉपी हो गई। तो कॉपी कौन, कमांड का नाम, जाहिद फाइल का नाम, और उसके अंदर ये हमने जो टाइप किया ये उसके अंदर कंटेंट है। कैसे देखेंगे, यानी जाहिद के अंदर क्या है वो कैसे देखेंगे, तो आप यहाँ पे एक कमांड देंगे टाइप, और टाइप के बाद लिख देंगे जाहिद। टाइप करके नहीं आया, टाइप कमांड शायद हो सकता है, नहीं हो इसके अंदर टाइप है तो टाइप कमांड यानी इसके अंदर नहीं है टाइप। अच्छा एडिट करते हैं, एडिट राहिब, यानी ये दोनों कमांड नहीं है। एडिट इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। तो ये टाइप यानी इसके अंदर क्या है, शायद मेरे ख्याल से इसको हाइड किया गया है। मैं डायरेक्टली देखता हूँ, जाहिद नाम की मैंने फाइल बनाई थी ना, dir/p, ये सब तो डायरेक्टरी है, साहिद नाम की दिख रही होगी तो नाम की डायरेक्टरी है, इसीलिए तो नहीं खुल रहा है, पीडी जाहिद। यहाँ मुझे आके बनी है सेंसी। मैं ये वाली यहीं पे आ गया हूँ, तो ये ओपन करता हूँ, smile.txt, टाइप smile.txt, smile.txt, ओपन हो गया। देखिए ठीक है, इसके अंदर जो लिखा वेलकम टू माय होम, मैं यहाँ पर से एक बना लेता हूँ कॉपी कॉन स्माइल 1.txt, चलिए ये बनाते हैं। इसके अंदर लिखते हैं, मैं कुछ ज्यादा नहीं लिखता, बस लिखता हूँ हेलो हेलो हेलो, लिखा कंट्रोल जेड कर दिया, एंटर कर दिया, कॉपी होगी फाइल। अब हम टाइप कमांड करते हैं, और चूंकि हमने फाइल बनाई स्माइल वन ना, स्माइल वन कर देते हैं, टाइप कमांड देते हैं, यस। तो ये हुआ आपका टाइप कमांड। तो कॉपी कॉन के थ्रू फाइल को बनाया, ठीक है, कॉपी कॉन के थ्रू, कॉपी कॉन कमांड के थ्रू smile1.txt। txt मैंने अभी बताया था आपको, फाइल के एक्सटेंशन बताए थे ना, तो ये भी फाइल का एक एक्सटेंशन है टेक्स्ट। और ये हमने टाइप किया, कंट्रोल जेड करते हैं कॉपी करने के लिए, उस सिस्टम में कॉपी हो जाता है, और फिर उसके अंदर के कंटेंट को देखने के लिए
टाइप करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है। सो ये है आपका टाइप कमांड। तो कॉपी कॉन के साथ टाइप जरूरी, क्योंकि कॉपी कॉन से बनाते हैं, टाइप से देखते हैं, एमडी से डायरेक्टरी बनाते हैं, सीडी से चेंज डायरेक्टरी में जाते हैं, डेट टाइम सीएलएस, इतना सारा कमांड हो गया आपका। डीआईआर भी, हाँ डीआईआर भी तो बताया आपको, डीआईआर से हम डायरेक्टरी और फाइल को देख सकते हैं। स्लैश पी जो हम कर रहे थे वो इसका एक ऑप्शन है। तो देखा जाए तो आपको कितने कमांड मैंने बता दिया, कॉपी कॉन, टाइप, एमडी, सीडी, आरडी नहीं बताया, डेट टाइम सीएलएस, टीआईआर। अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं आरडी। आरडी का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी। अब रिमूव डायरेक्टरी का मतलब, यहाँ पे हमने जाहिद नाम की जो डायरेक्टरी बनाई है उसके अंदर देखो एसएनसी नाम की डायरेक्टरी है, तो हम यहाँ पे सीडी एसएनसी करते हैं। एसएनसी के अंदर देखते हैं कोई फाइल है, नहीं कोई वो नहीं है, ठीक है, एसएनसी के अंदर देखो कुछ नहीं है, तो हम सीडी करके बैक स्लैश करके बाहर आते हैं, सीडी डॉट डॉट करके बाहर आते हैं, सीडी डॉट डॉट करके हम स्टेप बाय स्टेप बाहर आते हैं, सीडी बैक स्लैश करके डायरेक्ट हम बाहर रूट पे आ जाते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है। अब यहाँ पे हमें करना है कि जो यहाँ पे डीआईआर करते हैं, इसके अंदर ये डायरेक्टरी बनी हुई एसएनसी नाम की, देख रहे हैं ये इसको हमें डिलीट करना है। आरडी एसएनसी, आरडी का मतलब रिमूव डायरेक्टरी, रिमूव हो गई। अब डीआईआर करके देखिए, अब नहीं है यहाँ पे, ऐसा दिखा रहा था ना, अब यहाँ पे देखिए नहीं है, सिर्फ दो फाइल हैं, डायरेक्टरी नहीं कोई है, एक फाइल स्माइल डॉट टीएक्सटी, एक फाइल स्माइल वन डॉट टीएक्सटी, दोनों का टाइम डेट बता रहा है, ये 19 नवंबर 23 को बनाई गई, ये 29 नवंबर 23 को बनाई गई, 29 नवंबर, ये 19 फरवरी, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका हो गया आरडी, आरडी का मतलब रिमूव डायरेक्टरी। नेक्स्ट है रेन, रेन का मतलब, रेन फुल शॉर्ट है रीनेम का, रीनेम मीन्स नाम चेंज करना फाइल का नाम। अब यहाँ पे मैंने स्माइल डॉट टी एक्स टी, मैं इसका नाम चेंज करके, मान लिया हमने करना चाह रहे हैं रेन स्माइल डॉट टी एक्स टी, इसको हम करना चाह रहे हैं शिबली डॉट टी एक्स टी, शिबली डॉट टी एक्स टी। रेन कमांड का नाम, रीनेम करो इस फाइल को इस नाम से। तो ये हो गया सोर्स, ये हो गया टारगेट, ठीक है, ये हो गया सोर्स, ये हो गया टारगेट, ये हो गया सोर्स, ये हो गया डेस्टिनेशन, जो भी कहें आप। एंटर किया, रिनेम हो गई, डीआईआर करिए, आप देखिए ये देखिए शिबली नाम से हो गई, ऊपर जो स्माइल थी ये शिबली हो गई। तो इस तरह से हम रिनेम कर सकते हैं फाइल को। नेक्स्ट है डेल, डेल क्या करते हैं, फाइल को डिलीट करना। यहाँ पे हम चाहते हैं स्माइल वन डॉट टीएक्सटी को डिलीट करना, तो हम लिखेंगे डेल स्माइल वन डॉट टीएक्सटी, डिलीट कर दिया उसने, डीआईआर करके देखिए डिलीट हो गई। शिबली डॉट टीएक्सटी को भी डिलीट करना है, सो डेल यही कमांड देंगे आपको, डेल डिलीट, अगर हम डिलीट लिखें तो भी वही होगा, डेल लिखें तो भी वही होगा, डिलीट भी करके देख लिए, डिलीट शिबली डॉट टी एक्स टी। अच्छा डिलीट नहीं, इसमें इंटरनल हो रहा है, पूरा डेल ही लेगा, डेल SHIBLI, हाँ ये डेल तो आपने देख ही लिया। तो ये हो गया आपका डेल। कॉपी, कॉपी और कॉपी कॉन, ये अक्सर फर्क आता है। कॉपी का मतलब कोई फाइल एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना, एक जगह है दूसरी जगह कॉपी करना, ये होता है कॉपी। मूव, मूव होता है एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह ले जाना, बट एक जगह से हटा देना, यानी यहां से रिमूव कर देना, वो कहलाता है आपका मूव। सो कॉपी और मूव थोड़ा सा ध्यान से इत्मीनान से बाद में आपको करना होगा, अभी मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। कॉपी
कॉपी और मूव जो है, या ऐसा करते हैं हम बता ही देते हैं पूरा, नहीं होगा तो दोबारा फिर से रिपीट करेंगे। कॉपी कैसे करते हैं देख लीजिए आप। सपोज यहाँ पे जाहिद नाम की डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल है शिवली डॉट टी एक्स टी, ठीक है, और मैं इसे बाहर आता हूं। एक डायरेक्टरी यहाँ पे है, मैं बना देता हूँ शिबली एसेंस, जो एनसी अभी बनाया मैंने, ठीक है। इसके अंदर कोई फाइल नहीं है, आपने देखा अभी मैंने बनाया। तो मुझे करना है कि जाहिद के अंदर जो शिबली नाम की फाइल है उसको हमें कॉपी करना है शिबली एनसी के अंदर। तो हम कैसे करेंगे ये देखिए, कॉपी, पहले कमांड दिया, फिर सोर्स, सोर्स क्या है हमारा सी पे, जाहिद के अंदर शिबली डॉट टी एक्स टी नाम की जो फाइल है उसको कहाँ करना है, सी पे एस एच आई बी एल आई एन सी। ये हमारा कमांड हुआ, ये हमारा सोर्स हुआ, और ये हमारा टारगेट हुआ, यानी इस डायरेक्टरी के अंदर इस फाइल को इस डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करना है। हमने एंटर किया, वन फाइल कॉपी देखिए आ गया। अब हम यहाँ से सी डी शिबली एन सी करते हैं, इसके अंदर डी आई आर करते हैं, देखिए फाइल आ गई यहाँ पे, ये देखिए। और यहाँ पे से थी यहाँ पे से थी, तो कॉपी का मतलब यहाँ भी है वहां भी चली गई, यानी हमने पूरी की पूरी फाइल को कॉपी कर दिया। ये कमांड, ये होता है कॉपी कमांड, कॉपी। मूव, ये देखिए बड़ा एक वो होता है, यानी यहाँ मूव में भी कॉपी होती है बट हट के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, यानी अपनी जगह वो चेंज कर देती है, पहले जहां पे थी वहां से हटके दूसरी जगह चली जाती है। इसको मैं ऐसे करता हूं, मैं एक यहाँ पे नई फाइल और बना लेता हूँ, कॉपी कॉन एस एन सी डॉट टी एक्स टी, यहाँ भी वही मेरे हेलो। अब यहाँ पे दो फाइल हो गई, ठीक है, एस एन सी और वो, और जो हमारी वाली डायरेक्टरी थी सी डी शिबली एन सी, इसके अंदर देखिए सिर्फ एक फाइल है शिबली डॉट टी एक्स टी, इसके अंदर ही हम कहें यहाँ से जाहिद नाम की डायरेक्टरी के अंदर से ये फाइल मूव करा के इस डायरेक्टरी में लेते आए आप, तो क्या करेंगे, मैं यहाँ से बता रहा हूँ, मूव कमांड पहले दे दिया, कहाँ पे है फाइल, सोर्स हमारी कहाँ है, यानी एसएनसी को जो मूव कराना वो कहाँ पे, इसके अंदर है, तो हमने दिया साहिर, और फिर हमने दिया एस एन सी डॉट टी एक्स टी, कहाँ पे मूव करा के लेके आना है, शिबली एन सी, शिबली एन सी, ठीक है, वहां पे लेके जाना है, एंटर किया, मूव कर दिया, देखिए आ गया मैसेज मूव। अब वहां पे नहीं है सी डी साहित के अंदर नहीं है वो, मूव हो गई, कहाँ पे आ गई, सी डी शिवली एनसी के अंदर आ गई, ये देखिए, सो वहां से मूव होके यहाँ आ गई, दिस इज कॉल्ड मूव। अब यहाँ पे दो कमांड और है, ये भी बता ही देते हैं, ये नहीं फिर कुछ कमांड्स होंगे, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम से क्या, वॉल्यूम का क्या मतलब है, हम अपने कंप्यूटर के डिस्क का नाम, डेट और बाकी कितनी जगह है, कितनी वो है, कितनी फाइल, कितनी डायरेक्टरी, वो देखते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम इसके अंदर है, एक्सटर्नल कमांड है,
वॉल्यूम, VOLUME नाम तो सही स्पेलिंग दिया था ना, VOLUME वॉल्यूम नहीं, वॉल करें, हाँ वॉल है इसके अंदर, वही इसी का शॉर्ट है वॉल। तो वॉल्यूम में क्या है, वॉल्यूम इन ड्राइव सी इज ड्रीम, उसका नाम, वॉल्यूम सीरियल नंबर इज ये, ठीक है वॉल्यूम से ये होता है। नेक्स्ट है लेबल, लेबल करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो रहा है देखिए, लेबल्स का मतलब होता है कि हम अपनी डायरेक्टरी, अपनी जो ड्राइव है उसका जो नाम है ड्रीम वो शो करता है लेबल से, और अगर हम उसको चेंज करना चाहें तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं 32 कैरेक्टर का नया लेबल भी। लेबल आप बहुत आसान ऐसे समझ लो, लेबल आप स्कूल में पढ़े होंगे, स्कूलों में हम कॉपी होती थी उसके ऊपर लेबल चिपकाते थे फिर उस पर नाम लिखते थे, वही लेबल यहाँ पे है। यानी एक जो नाम है नया नाम देना है, यानी जो है उसको चेंज करना है, तो उससे लेबल। ये नोट्स जब भेजेंगे उसके अंदर आपका ये और थोड़ा सा थ्योरेटिकल उस पे आ जाएगा। सो सारे कमांड यहाँ पे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब अगर दोबारा से फिर से जरूरत होगी तो आप ये वीडियो आप रिकॉर्ड करके फिर से, मतलब वो होगी फिर से, आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं और प्रैक्टिकल में ये सिस्टम पे फिर से इसको कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपकी होगी यूनिट 2। यूनिट 2 में थियरी यहाँ से आता है कि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, और कुछ कमांड्स आते हैं एग्जाम में, पेपर आपको प्रोवाइडेड इसके अंदर देखा होगा, CUI पूछता है या क्या है डायरेक्टरी, क्या है फाइल, व्हाट इज फाइल, व्हाट इज डायरेक्टरी, व्हाट डू यू मीन बाय बूटिंग, ठीक है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज दिस एमएस डॉस, व्हाट इज इंटरनल कमांड, व्हाट इज एक्सटर्नल कमांड, कमांड के कुछ वो दिए होंगे, और लिमिटेशन ऑफ डॉस, इसमें से कुछ कमांड, ये सब कमांड जो है ना वो एक्सटर्नल कमांड है, जैसे ये है मूव है, वॉल्यूम है, लेबल है, कुछ कमांड जो लिस्ट आपको, ये सब कमांड इंटरनल है, कॉपी कॉन है, ठीक है, CD है, MD है, टाइप, CLS है, डेट टाइम, ये सब जो है। सो ये है आपका क्लास, सो फिर आगे मिलते हैं, और ठीक है जो भी टॉपिक्स होगी फिर उसको देखते हैं, चलिए ओके बाय।